दोस्तों, अगर आपका फोन भी बहुत ज्यादा हैंग करता है, आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो या फिर कोई भी गेम खेलते हो तो फोन पूरा का पूरा हैंग होने लगता है, तो भाई इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस सेटिंग को करने के बाद आपका कोई भी फोन हो, कितना भी पुराना क्यों ना फोन हो, जो आपका फोन है ना वो कभी भी हैंग नहीं होगा। और इसके बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेल सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, आपका फोन कभी भी हैंग होने का नाम नहीं लेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकते हो, ताकि आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलो, कोई भी एप्लीकेशन यूज करो तो आपका फोन कभी भी हैंग ना हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्टली आपको सर्च पे टैप करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टोरेज। यहाँ पर आपको स्टोरेज सर्च करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप स्टोरेज सर्च करोगे तो नीचे में एक आपको स्टोरेज नाम से ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे फोन का स्टोरेज फुल होता है ना तो हमारा फोन स्लो काम करने लगता है या फिर बहुत जल्दी हैंग होने लगता है, क्योंकि अगर आप अपने फोन में स्टोरेज खाली कर नहीं रखोगे तो आपका जो फोन है वो तुरंत हैंग होने लगेगा। कम से कम आपके फोन का 10 GB जो स्टोरेज है ना वो हमेशा आपके फोन में खाली होना चाहिए। अगर आपके फोन का स्टोरेज पूरा भर जाएगा तो आपका फोन तुरंत हैंग होने लगेगा। तो याद रखना, कभी भी आपको अपने फोन के स्टोरेज को फुल नहीं होने देना है, कम से कम 10 GB आपको अपने फोन के स्टोरेज को खाली करना है। और अगर आपके फोन का फुल स्टोरेज हो जाता है ना तो उसके अंदर आपको जंक फाइल भी मिलते हैं, वायरस भी मिलते हैं और उस वजह से भी आपका फोन हैंग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फोन का स्टोरेज खाली करना होगा, ठीक है। नीचे में आपको क्लीनअप का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको क्लीनअप पे टैप करना है और यहाँ पर आपके फोन में जितने भी जंक फाइल होंगे, वायरस होंगे, वो सारा यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका फोन है ना वो कभी भी हैंग नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे फोन के अंदर जंक फाइल वायरस होगा तो भाई हमारा फोन तुरंत हैंग होने लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस सेटिंग को करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब सीक्वेंस सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको बैक चले आना है, बैक चले आना है, ठीक है। आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन, और ये हम सभी के फोन के अंदर हिडन सेटिंग्स होता है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। तो ये कैसे एक्टिवेट होगा, तो आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाना है, अबाउट फोन के अंदर जाना है और बिल्ड नंबर पर आपको 7 बार टैप करना है। उसके बाद जो डेवलपर ऑप्शन है ना वो आपके फोन में एक्टिवेट हो जाएगा और इसी के अंदर आप अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। कितना भी आपका पुराना क्यों ना फोन हो, जो आपका फोन है ना वो कभी भी हैंग नहीं होगा। तो डायरेक्टली आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है विंडो एनिमेशन स्केल। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। और ये तीनों सेटिंग्स क्या है ना कि आपके फोन में एनिमेशन क्रिएट करते हैं और वो भी बेकार का। आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो सभी के अंदर ये तीनों एनिमेशन क्रिएट करते हैं और उस वजह से क्या होता है कि जो आपके फोन का CPU होता है ना उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और आपका फोन तुरंत हैंग होने लगता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको तीनों को बंद कर देना है, ठीक है। इससे आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बेकार का आपके फोन में एनिमेशन क्रिएट होता था और उस वजह से आपका फोन स्लो काम करता था, हैंग होता था, वो यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा।
तो ये सीक्वेंस सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब थर्स्ट सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थ्रेश कॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम होता है फोर्स 4X MSAA। यहां पर आप देख सकते हो और ये हम सभी के फोन के अंदर होता है, लेकिन हम सभी के फोन के अंदर ये सेटिंग्स बंद होता है, लेकिन हमारे फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। अगर आपके फोन में रैम कम है, स्टोरेज कम है और इस वजह से आपका फोन हैंग होता है, या फिर आपके फोन का प्रोसेसर कम लो है, तो ये आपके फोन के प्रोसेसर को इनहेंस करता है, रैम को इंक्रीज करता है, स्टोरेज को इंक्रीज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है हमारे फोन के लिए, तो इस सेटिंग्स को आपको अपने फोन के अंदर ऑन कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलो, कोई भी एप्लीकेशन यूज करो, आपका फोन कहीं भी हैंग नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे फोन के प्रोसेसर को इनहेंस करता है। अगर आपके फोन में लो प्रोसेसर है तो ये आपके प्रोसेसर को हाई कर देगा और आपका फोन कहीं भी हैंग नहीं होने देगा। तो ये सेटिंग्स आप अपने फोन में जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थ्रेश कॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम होता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यहां पर आप देख सकते हो और डायरेक्टली अगर आप इसके अंदर जाते हो तो ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होता है, जिससे क्या होता है ना कि आप अपने फोन में जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हो ना, 20 एप्लीकेशन, 30 एप्लीकेशन, वो सारे स्टैंडर्ड लिमिट पर आपके फोन के बैकग्राउंड में रन करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि आपके फोन का सीपीयू जो होता है उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और आपका फोन तुरंत हैंग होने लगता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे। जब तक आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन को ओपन नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तब तक आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो आपका फोन है कहीं भी हैंग नहीं होगा, बिल्कुल आपका फोन फास्ट काम करेगा। तो यही तीन सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है। उसके बाद आपका पुराना से पुराना फोन भी कहीं भी हैंग नहीं होगा, बिल्कुल मक्खन जैसा आपका फोन चलेगा। यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल मक्खन जैसा। तो इसी सेटिंग को आपको अपने फोन के अंदर करना है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी तो के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।